This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान बाकी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाई है। खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक 1 जून को बुलाई है। 1 जून को ही लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा और समीक्षा की बात कही जा रही है। सवाल उठ रहा है कि अंतिम चरण में देश के 57 लोकसभा सीटों पर जिस दिन वोटिंग होनी है उसी दिन इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक क्यों बुलाई गई? क्या बात केवल चर्चा और समीक्षा तक ही सीमित रहेगी? आज इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हैं। अवधेश जी, संवाद पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। 1 जून को खड़गे की तरफ से बैठक बुलाई गई है इंडिया ब्लॉक की, आप कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये खबर है कि इंडिया INDIA के साथियों की 1 जून को बैठक बुलाई है। 1 जून को मतदान का अंतिम चरण है, 4 जून को परिणाम है, 1 जून को सभी टेलीविजन चैनल और संभवतः बड़े अखबारों के डिजिटल चैनल भी एग्जिट पोल दिखाएंगे तो थोड़ा बहुत चुनाव परिणामों का आभास हो जाएगा। कांग्रेस इसके द्वारा ये असल में ये कोशिश कर रही है कि नेतृत्व की पाल हमारी ओर से हो रहा है। मेरी समझ यह बन रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDIA की बैठक पारी में बुलाने के करके एक माहौल को बनाए रखने की कोशिश की है चुनाव परिणाम के पूर्व, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और जो भी उनके सक्रिय समाजवादी पार्टी है, RJD है बिहार में, ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं या उनके साथी हैं, इन सब ने एक माहौल ऐसा बनाया है और इनके साथ जो मीडिया में भी INDIA के सपोर्टर या भाजपा के विरोधी हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो पहले मीडिया के बड़े चेहरे थे वो सब आजकल यूट्यूब चैनल और इधर काम कर रहे हैं, और कुछ पहले के सेफोलॉजिस्ट हैं जो इस समय INDIA के लिए एक्टिविस्ट का खासकर कांग्रेस सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने एक माहौल बनाया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध व्यापक वातावरण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध व्यापक वातावरण है और यह सरकार जा रही है। जाने का मतलब है कि इस समय INDIA ही अगली सरकार बनाएगी। राहुल गांधी जी के नाम पर ट्विटर पर या जगह जगह सोशल मीडिया पर एक पंक्ति चल रहा है, उनकी तस्वीर लगाई जा रही है, उस पर पोस्ट होता है कि 4 जून को आ रहा हूं, और लाखों या करोड़ की संख्या में वो इस प्रकार के पोस्ट चले गए हैं। ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही है जैसे 2004 का था, 400 पार और उस समय के इंडिया साइनिंग दोनों बराबर है, ठीक वही स्थिति होने जा रही है। सबने अपने अपने अनुसार अंक भी दे दिए हैं, किसी ने उसको 200 तक सिमटा दिया, किसी ने 140-150 सिमटाया, किसी ने 180 दे दिया है। एक पुराने सेफोलॉजिस्ट हैं, वो अलग अलग राज्यों के आंकड़े दे के बता रहे हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस एरिया में इतनी घट रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही सीटें 50 के आसपास घट जा रही है और NDA में बाकी साथियों को सीटें आ नहीं रही है, इसलिए ये सरकार जा रही है अगली सरकार। तो एक वातावरण बनाया गया है, उस वातावरण को ही ठीक से कंसोलिडेट करने की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में स्वाभाविक है कि विपक्ष अपनी रणनीति पर चर्चा करेगा, तो माहौल तो यही रहेगा, क्योंकि अभी तक अगर माहौल यही है और प्रधानमंत्री द्वारा लगातार छोटे बड़े टेलीविजन चैनल, समाचार पत्रों, यूट्यूब चैनलों, समाचार एजेंसियों, पत्रिकाओं सबको लगातार इंटरव्यू देने का जिस ढंग से कांग्रेस ने उपहास उड़ाया है, पत्रकारों पर हमले किए हैं और राहुल गांधी किसी एक TV चैनल मुख्यधारा के अखबार को अभी तक इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं कि 4 जून को मीडिया की आजादी आएगी, वह सब दिखा रहा है कि एक मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हार रही है। तो इस मानसिकता में 1 जून की बैठक बुलाई गई है।
अब देखने वाली बात होती है 4 जून को क्या परिणाम आएगा इस पर, इसके बारे में कोई आंकड़ा देना थोड़ा जोखिम भरा होगा। लेकिन ये बैठक तो तभी परिणामकारी होगी ना कि जैसा ये सोचते हैं उसी अनुसार 4 जून का परिणाम आए। क्या वाकई देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहाँ के बहुसंख्य मतदाता यानी मतदाताओं का बहुमत नरेंद्र मोदी सरकार से इतना असंतुष्ट हो जाए, इतना नाराज हो जाए कि विद्रोह करके सरकार को उखाड़ फेंकने की सीमा के लिए मतदान कर दे? और क्या विपक्ष ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि इनके हाथों में देश सौंपने का फैसला भारत के बहुसंख्यक मतदाता करें? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या स्वयं भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग उसका घोर विरोधी है, उसमें कमी नहीं आई है, वो हमेशा इस प्रकार की बातें करता है, लेकिन परिणाम 2014-2019 में उस अनुरूप नहीं आए जैसा बताया गया था। इस समय भी आप देखेंगे तो विपक्ष का अवश्य रहा है, लेकिन संपूर्ण माहौल का विश्लेषण करेंगे तो यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता है कि वाकई देश में लोगों के अंदर इस सरकार को लेकर इतने गुस्से हैं कि वो इनको हराने के लिए मतदान करेगा। जगह जगह से जो पत्रकार जमीनी स्थिति पर जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार दिए गए जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में भी उनके समर्थकों में भी असंतोष रहा, उनमें उदासीनता भी दिखी। कुछ ऐसे मुद्दे लाए गए जिनसे अयोध्या के 22 जनवरी का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संपूर्ण देश में जो अभूतपूर्व हिंदुत्व का माहौल बना था उसमें थोड़ी कमी आई। कुछ गठबंधनों को लेकर भी उनके समर्थकों में नाराजगी हुई, जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले लड़ती तो लोगों का मानना है कि 22-24-25 सीटें आ सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाने से लोगों को बहुत निराशा हुई और उसका भी असर मतदाताओं पर पड़ा है। इन सब के बावजूद देश में आम लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर राज्य सरकारों में देश ने प्रगति किया है, लोगों तक विकास के काम पहुंचे हैं, विदेश नीति के स्तर पर भारत इस समय जितना मुखर है प्रभावशाली है और दुनिया भर के एक दूसरे के विरोधी देश भी इसके साथ संबंध बनाने के लिए तत्पर रहते हैं बड़े बड़े देश, वह स्थिति भारत में पहले नहीं हुई है। विदेशों में पहली बार इतनी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। अमेरिका ने तो कहा है कि भारत सरकार भारत की भूमिका है, वहां जो पन्नू पर को मारने की कोशिश हुई थी। कनाडा पहले से आरोप लगा रहा है, बड़े बड़े अखबार और बड़ी रिपोर्टें छाप रहे हैं कि अमेरिकी जांच एजेंसी ने ऐसी रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान में 22-23 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, सारे आतंकवादी जो भारत में वांछित थे भयभीत होकर घरों में छिपे पड़े हैं। ब्रिटेन तक में भारत विरोधी आतंकवादी मारे गए हैं, स्थिति पहले कभी नहीं पैदा हुई। अब वो क्यों मारे जा रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं, इन सब पर प्रश्न खड़ा हो सकता है क्योंकि सरकार ने इस पर कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर एक वातावरण बना है भारत में कि हमारे विरोधियों को ठिकाने लगाना है और लोग ही निकल के जा रहे हैं, तो ये वातावरण पहले देश में नहीं था। जिस अयोध्या को लेके इतना आंदोलन हुआ और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी और जब वो मंदिर बन गया और लोग मान रहे हैं कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो समय सीमा के अंदर मंदिर का निर्माण करना, उस प्रकार से भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समय सीमा के अंदर करना ये संभव नहीं होता, होता ही नहीं। तो ये सारे विषय के रहते हुए जब 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प है, 5 वर्षों में भारत को कहां ले जाना है, अगले 100 से 125 दिनों का कार्यक्रम दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, विपक्ष में अगर आप देखें फिर वहां कांग्रेस कहां है? तो दोनों बातें होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटें घटेंगी कहां, विपक्ष में विशेषकर कांग्रेस की सीटें या जो और प्रमुख दल है उनकी बढ़ेंगी कहां। इन दोनों पर देखते हैं तो वो तस्वीर वैसी नहीं दिखती है जैसी बनाई जा रही है। कांग्रेस को जो 52 सीटें थी उसमें से 19 सीट तो अकेले उसकी, 15 सीट तो अकेले केरल से थी, 4 सीटें उसके गठबंधन को, तो 20 में से 19, सब कितनी सीटें वो ले आएंगे? बाकी
जो तमिलनाडु थे उसमें गठबंधन को 39 सीटें थी, उससे ज्यादा वो कम से ले आएंगे। तो ये जो पंजाब में कांग्रेस के पास 8 सीट थी, अब इस समय की परिस्थिति में कहां से उसके पास सीटें आ जाएंगी? अगर आप सारा मिला के देख लेते हैं तो वैसी परिस्थिति दिखाई नहीं देती है जैसी बनाई जा रही है। इसलिए वो 1 जून का बैठक जो है वो 4 जून के पहले के बनाए हुए केवल वातावरण के लिए है। 4 जून के परिणाम के बाद क्या होता है, इसके बाद INDA क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। लेकिन सत्ता में आने के पहले अगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अगर मंच पर खड़े होकर के पत्रकारों पर कह रहे हैं कि ये चमचा और चमची सवाल करने जाते हैं, तो ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है कि पत्रकारों को निशाना बनाया जाए। इतनी संख्या में प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिए हैं और उसमें वैसे वैसे पत्रकार गए हैं जिनकी ईमानदारी पर, जिनकी प्रोफेशनल परफेक्शन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, और सारे सभी तरह के प्रश्न किए गए। राहुल गांधी जी ने एक इंटरव्यू नहीं दिया है। तो ये एक जो देश का वातावरण है कि हमारे हाथ में देश आ रहा है, हम ऐसे चलाएंगे, जिस ढंग से ममता बनर्जी वहां कह रही हैं कि INDIA की सरकार बनेगी, ये जा रहे हैं हमको तो 300 के आसपास सीटें आ जाएंगी और भविष्य की उनकी योजनाएं हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम तो इस सरकार के अंदर के सारे निर्णयों की भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। तो इन्हीं सारे विषयों पर बात हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी को तो 2 जून को वैसे भी जेल जाना है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व तरीके से चुनाव प्रचार के लिए अनुमति दी है, बेल तो निश्चित कालखंड के लिए बेल बहुत कम होता है, पैरोल पर छोड़ा जाता है। अब उन्होंने अगले मेडिकल टेस्ट और बाकी के लिए फिर से कहा है कि 7 दिनों के लिए दे दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद क्या दिल्ली का वातावरण और पंजाब का वातावरण बदल गया उनके कार्यकर्ताओं में? निश्चित रूप से समर्थकों में उत्साह था, उम्मीदवारों में भी उत्साह था, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह की घटना हुई, पिटाई हुई है, उसमें उनको डिफेंसिव होना पड़ रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उसका एक असर महिला वोटरों पर दिल्ली में भी पड़ा, देश में भी पड़ा है। बाद में INDIA के लोगों ने उनको बुलाना बंद कर दिया, अखिलेश यादव बुलाए थे वहां उत्तर देना कठिन हो गया, तो पंजाब में उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। तो इन सब को देखते हुए एक पत्रकार के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते और लंबे समय से समाज में सक्रिय रहने के कारण मेरा मत यह बन रहा है कि 1 जून की बैठक का केवल महत्व इतना ही है कि जो लोग हम लोग साथ मिल के नहीं लड़े हैं, जिनसे इस बीच मुलाकात नहीं हुई है, वो सब इस बीच बैठक उनकी नहीं हुई, कोई एक रैली रामलीला मैदान के बाद INDIA की नहीं हुई है, कोई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, तो कम से कम चुनाव समाप्त होने के दिन हम लोग बैठ के एक देश में मैसेज दे दें, ताकि अगर भविष्य में अब NDO को बहुमत नहीं मिलता है, मेरी दृष्टि से इसकी संभावना कम है, तो एक मैसेज रहे कि हम सब साथ हैं और सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई मायने है। और बाकी तो जब सरकार जो परिणाम आ जाएगा उस पर टिप्पणी की जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टी है, बैठने का उनको अधिकार है, गठबंधन है, निश्चित रूप से बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन देश अभी तो देखेगा कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान INDIA के घटकों में कितनी बार मेल मुलाकात हुई, कितनी बार बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, क्या पश्चिम बंगाल में INDIA के घटकों का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, कोई रैली हुई, क्या केरल में कोई रैली हुई, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी क्या उस तरह से संगठित होकर रैलियां हुई, क्या पंजाब में कुछ हुआ, क्या दिल्ली में रामलीला मैदान के बाद जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कोई बैठक ही हुई? तो जब कभी चुनाव अभियान के दौरान बैठक हुई ही नहीं, जिसमें ज्यादा आवश्यकता थी कि मिलजुल के लड़े, भाजपा को हराना है तो रणनीति बनाए, जहां भी दे सकते हैं एक दूसरे की मदद करें, जो वो कर नहीं सके। तो चुनाव इतना आसान नहीं होता है कि आप ऐसा करेंगे भी नहीं और संगठित रूप से आपको बहुमत भी मिल जाएगा, और बाद की तो आप बैठक जितनी कर लीजिए करते रहिए। तो हम लोग उस दिन की बैठक की प्रतीक्षा करेंगे, देखते हैं कि वहां से क्या बयान आता है। लेकिन इसका राजनीतिक रूप से, भारत के भावी राजनीति की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से, या संघ सरकार गठित करने की दृष्टि से, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब उसका कोई विशेष महत्व मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए अवधेश जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।